मैं क्या हूँ, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का एक कथन है, संसार में जितना भी कुछ है वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है। पिछले अध्यायों में आत्मस्वरूप और उसके आवरणों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक जिज्ञासु अहम का जो रूप समझ सके हैं, वास्तव में वो उससे कहीं अधिक है। विश्वव्यापी आत्मा परमात्मा महत्तत्व परमेश्वर का ही वो अंश है, तत्वतः उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आपको अब इस तरह अनुभव करना चाहिए कि मैं अब तक अपने को जितना समझता हूं उससे कई गुना बड़ा हूं। अहम की सीमा समस्त ब्रह्मांडों के छोर तक पहुंचती है, वो आत्मशक्ति की सत्ता में समाया हुआ है और उसी से इस प्रकार पोषण ले रहा है जैसे गर्भस्थ बालक अपनी माता के शरीर से। वो परमात्मा का निज तत्व है। आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना होगा और क्रमशः अपनी अहंता को बढ़ाकर अत्यंत महान कर देने को अभ्यास में लाना होगा। तब उस चेतना में जग सकेंगे जहां पहुंचकर योग के आचार्य कहते हैं सो अहम्। आइए अब इसी अभ्यास की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अपने चारों ओर दूर तक नजर फैलाइए और अंतर नेत्रों से जितनी दूर तक के पदार्थों को देख सकते हो देखिए। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है। वरन यह एक चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं इधर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे की ओर बह रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ वनस्पति में है वो कल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचेगा और परसों मल रूप में निकलकर वो अन्य जीवों के शरीर का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि शारीरिक कोश हर घड़ी बदल रहे हैं, पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर जीवों का त्यों रहता है पर कुछ ही समय में वो बिल्कुल बदल जाता है और पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया तथा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं। नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है, तथापि वो केवल इतना ही अनुभव करता है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग भी उसी निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं होते, तथापि वह पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति करती रहती है। यह मनुष्य शरीर तक ही सीमित नहीं वरन अन्य जीवधारियों वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती रहती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोक कर नहीं रखा जा सकता। ये भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है। फकीर कहते हैं ये दुनिया आनी जानी है। भौतिक द्रव्य प्रवाह को आप समझ गए होंगे, यही बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं शब्दावलियां
संकल्प आदि का प्रवाह भी ठीक इसी प्रकार जारी है। जो बातें एक व्यक्ति सोचता है वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहां जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्द धारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने वाले विचारों के अब फोटो लिए जाने लगे हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि अमुक आदमी किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता है और लोगों की आकर्षण शक्ति द्वारा खींचा और फेंका जाता है। यह विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। छोटे से में इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। मन के तीनों अंग प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस, आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह में रहते हैं। अर्थात यूं समझना चाहिए कि नित्यः सर्वगतः स्थानुर अचलोयम सनातनः। आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील है। ये सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थानों को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते हैं और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उस दिन आपका निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज विषय भोगों से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था कि अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा, आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए, आज सब कुछ कमाकर सन्यासी हो गए। ऐसे असंख्य परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराने विचार चले गए और नए उनके स्थान पर आ गए। विश्व की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा यह विश्वास कराती है कि संपूर्ण संसार एक है। एकता के आधार पर उनका निर्माण हुआ है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है, यहाँ संपूर्ण वस्तुएं मेरी है। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में आपको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी की कितने और कौन से परमाणु आपके हैं, तब क्या उत्तर देंगे? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है, पानी के जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं पलक मारते मारते बहुत दूर निकल जाएंगे, जलधारा बराबर मुझसे छू कर चलती जा रही है, तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपनी बताऊं या कहूं कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये विचार कर सकते हैं। संसार जीवन और शक्ति का समुद्र है। जीव इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है। जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उत्तेजित होकर लहलहा चल सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सब की गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। विश्वव्यापी शक्ति चेतना और जीवन के परमाणु विभिन्न अनुभूतियों को झंकृत कर रहे हैं। उपर्युक्त अनुभूति आत्मा के उपकरणों और वस्त्रों के विस्तार के लिए काफी है। हमें सोचना चाहिए कि केवल ये सब शरीर मेरे हैं, जिनमें एक ही चेतना ओतप्रोत हो रही है। जिन भौतिक वस्तुओं तक आप अपनापन सीमित रख रहे हैं, अब उससे बहुत आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि इस विश्व सागर की इतनी बूंदे ही मेरी है। ये मानस भ्रम है। मैं इतना बड़ा वस्त्र पहने हुए हूं जिसके आंचल में समस्त संसार ढका हुआ है। यही आत्म शरीर का विस्तार है। इसका अनुभव उस श्रेणी पर ले पहुंचेगा जिस पर पहुंचा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। गीता कहती है,
सर्वभूतास्थ आत्मनम् सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्ता आत्मकाः सर्व समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एकी भाव से स्थिर रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सबको संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूप में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं की आत्माओं में तो आत्मीयता है ही, ये सब आपस में परमात्म सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं। अधिकारी आत्माएं आपस में एक है, इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट है। यह हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनमें घुल मिल जाने योग्य होते हैं। वो दशा अनिर्वचनीय है, इसी अनिर्वचनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति, मोक्ष होगा। एकता का अनुभव करने का अभ्यास, ध्यान अवस्थित होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाइए, अनुभव करें कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहरा रही है, उसी के विकार भेद से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। इंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख अनुभव होते हैं वो तत्वों की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जो इंद्रियों के तारों से टकराकर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की झंकारें उत्पन्न करती है। समस्त लोकों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उसमें मैं भी उसी प्रकार गति प्राप्त कर रहा हूं जैसे दूसरे। यह एक सांझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं। इस सच्चाई को अच्छी तरह कल्पना में लाइए, बुद्धि का ठीक ठीक अनुभव करने, समझने और हृदय को स्पष्टता अनुभव करने दीजिए। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करिए। वह भी भौतिक द्रव्य की भांति एक ही तत्व है। आपका मन महामन की एक बूंद है जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हैं। वह मूलतः सार्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरुमुख द्वारा या इतर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया जाता है। यह भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ को पीता है और फिर उसी में मूत्र रूप में त्याग देता है। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करिए और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लीजिए। अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों की भावना दृढ़ होते ही संसार आपका और आप संसार के हो जाएंगे। कोई वस्तु वीरानी मालूम नहीं पड़ेगी, ये सब मेरा है, ये मेरा या मेरा कुछ भी नहीं। इन दोनों वाक्यों में तब आपको कुछ भी अंतर न मालूम पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखिए, ये नित्य अखंड अक्षर अमर अपरिवर्तनशील और एक रस है। वह जड़ अविकसित नीच प्राणियों, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। बिराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटा रखने के लायक कोई पदार्थ वो नहीं देखता। अपने घर और पक्षियों के घोंसले में महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखता। ऐसी उच्च कक्षा प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं वरन संसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख सकता है और यह जान सकता है
कि किस स्थिति में किससे क्या वर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुणों का पुंज, उचित क्रिया, कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते, वरन केवल यही चीजें उसके पास शेष रह जाती हैं और वे बुरे स्वभाव न जाने कहां विलीन हो जाते हैं, जो जीवन को दुखमय बनाए रखते हैं। यहां पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समय सर्वत्र तेज स्वरूप और गतिमान प्रतीत होती हैं, तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है, विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और अनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है, परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश से ही बना है। आत्मा सत्य है, पर उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यहाँ एकता है। वही वो स्थिति है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है, सोहम अस्मि, अर्थात वो परमात्मा मैं ही हूं, और उसे अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक ही जीवन, एक ही बल, एक ही सत्ता, एक ही असलियत छिपी हुई है। दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हम बार बार अनुरोध करेंगे, क्योंकि मैं क्या हूं, इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है। सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है, और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतरना ही तो है। इस पाठ के मंत्र अभ्यास इस प्रकार करना है, मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है, मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड है, भौतिक और मानसिक तत्व निर्वाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं है, समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी है, अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है, मैं विशुद्ध हो गया हूं, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूं, सोहमाश्मी, मैं वही हूं। ओम शांति।